students, uh, we have studied uh, meta analysis in last module. In today's module, we are going to study steps in conducting a meta analysis. Uh, meta analysis की जब हम बात करते हैं तो ये एक uh, तरह की secondary research uh, होती है, जो कि uh, जो previous studies हुई हुई हैं उनके ऊपर हम conduct करते हैं. तो इसलिए इसके थोड़े से steps different हैं. जो कि आप प्राइमरी डेटा के ऊपर स्टडीज़ करते हैं उनसे तो आइए देखते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं बेसिकली इसके भी आठ ही स्टेप्स हैं मगर इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है तो पहला स्टेप इसका है डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन जैसे आप जब रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं विद प्राइमरी डेटा तो उसमें भी आपके पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए इसी तरह जब आप सेकेंडरी डेटा के साथ स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि आप स्टडी क्या करना चाहते हैं सेकेंड स्टेप इज़ लिटरेचर सर्च जिस तरह हम लिटरेचर uh, रिव्यू करते हैं प्राइमरी डेटा की स्टडी में इसी तरह हम uh, जब सेकेंडरी डेटा uh, के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें भी हम लिटरेचर को सर्च करते हैं थर्ड uh, स्टेप इसका डिफरेंट है uh, जो है प्राइमरी डाटा की स्टडीज uh, से uh, जो कि है चॉइस ऑफ द इफेक्ट साइज मै यानी जो रिजल्ट्स आपने ड्रा uh, करने हैं इन्फर करने हैं अपने मेटा एनालिसिस में उसमें इफेक्ट साइज आप कौन सा देखेंगे इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं चॉइस ऑफ द एनालिटिकल मैथड यूज आपका एनालिसिस का मेथड क्या होगा वो भी तीन चार मेथड्स हैं वो भी हम आगे डिटेल में देखते हैं चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर के कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे कोडिंग ऑफ अफेक्ट साइज आप अफेक्ट साइज़ के लिए कोडिंग कैसे करेंगे एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट तो ये आठ टोटल इसके स्टेप्स हैं तो पहला जो स्टेप है कि डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन तो मेटा एनालिसिस में हम दो चीज़ें इम्पॉटेंट हैं जब हम रिसर्च क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं मैनेजेबिलिटी एंड रेलिवेंस यानी आपने जो रिसर्च क्वेश्चन जब बनाना है तो उसके लिए जो अवेलेबल स्टडीज़ हैं वो आपने देखनी है कि आप उसको मैनेज भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और जो आप स्टडीज़ सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे वो कितनी रेलेवेंट है आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ क्योंकि गूगल स्कॉलर यूज़ करें या आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस यूज़ जब करेंगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होगा आपके पास आपके पास बेतहाशा स्टडीज़ आ जाएंगी तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे तो इसका ये आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें मैनेजेबिलिटी को कैसे अपने आप रिसर्च uh, में एड्रेस करेंगे और रेलिवेंस uh, कौन सी स्टडी मोस्ट रेलिवेंट है उसको आप कैसे देखेंगे ये भी आपको इस जवाब का भी आंसर देना पड़ेगा आपने मेटा एनालिसिस में लिटरेचर सर्च की जब हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस में तो लिटरेचर सर्च डिफरेंट तरीके से होता है मेटा एनालिसिस में जैसे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में हम ग्रे लिटरेचर को सर्च करते हैं तो इसमें भी हम ग्रे लिटरेचर को सर्च करते हैं हम ऑलरेडी जो पब्लिश मेटा मेटा एनालिसिस स्टडीज़ हैं उनके जो लिस्ट ऑफ़ स्टडीज़ है उनको भी यूज़ कर सकते हैं बस त, इसके साथ जो प्राइमरी मेथड है वो है कीवर्ड सर्च इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा आप कुछ सर्च टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं उन सर्च टर्म्स के साथ आप जो है जो है डाटा जो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक उनमें जैसे पबमेंट है गूगल स्कॉलर है और जो डाटा बेस हैं उनमें डेटा है, उन को सर्च करते हैं और डाउनलोड करते हैं उसके बाद आप जब आप डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो आप अपनी स्टडी का इंक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं कि कौन से आपके जो रेलेवेंट स्टडीज़ हैं उनको आप सेट करते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया के बेसिस पे और फिर इसी बेसिस पे आप अपना सैम्पल कंपोज करते हैं इसके लिए जैसे हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में प्रिज्मा फ्लो डायाग्राम फॉलो करते हैं इसी तरह मेटा एनालिसिस में भी ये डायाग्राम फॉलो की जाती है थर्ड स्टेप है चॉइस ऑफ द साइज मैय तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स के साइज हो सकते हैं बेसिकली आप या तो को रिलेशन कॉफिशेंट कम्प्यूट करें या आप स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंसेस देख लें जो भी आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है उसके लिए तो ये एज अ रिसर्चर आपकी प्रोविजन होती है कि आप इसमें से कॉफिशेंट को कम्प्यूट करेंगे या स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंसेस देखेंगे और सम टाइम ये होता है कि आपके पास जो है अवेलेबल जो स्टडी है उसमें से ये जो हम अगर फॉर एग्जांपल पी एर्स आर को रिलेशन कोफिशेंट को कंप्यूट करना चाहते हैं तो पर आपके जो डेटा है उसमें कोई ऐसी एक दो स्टडीज़ हैं उसमें ये कंप्यूट नहीं हुआ हुआ तो उसके लिए फिर आपको वो कन्वर्ट करना पड़ता है डाटा कि उसको हम कंप्यूट कर सकें ताकि आप अपना जो है एनालिसिस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें फिर इसके साथ आपके एनालिटिकल uh, मेथड्स क्या हैं मेटा एनालिसिस में आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस हो सकता है जिसमें आप सिंपली जो है को रिलेशन कोफिशेंट कम्प्यूट कर दें या स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंसेस देख दें फिर मेटा रिग्रेशन एनालिसिस हो सकता है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को लेकर देखें कि वो कैसे आउटकम वेरिएबल को प्रोडिक्ट कर रहे हैं फिर इसी तरह स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग हो सकती है कि जैसे कि हम प्राइमरी डाटा के साथ करते हैं इसी तरह सेकेंडरी डाटा में भी हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग देख कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ एक आउटकम वेरिएबल को प्रोडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डाटा सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें मेटा एनालिसिस के लिए जो प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर है वो तो स्टेटा ही माना जाता है मगर अब एस के लिए भी कुछ मैक्रोज डेवलप हो गए हैं जैसे डेविड बी विल्सन का मैक्रो है या एन फील्ड का मैक्रो है या रेफेल गलिट का मैक्रो है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू एस पी एस एस कोडिंग ऑफ अफेक्ट साइज के लिए कि भी आप कोडिंग कैसे करेंगे रिजल्ट्स के लिए तो इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड टैम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं आप उनमें से किसी भी एक स्टैंडर्ड टैम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल मैथड अगर आप सिंपल यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द जो मेटा रिग्रेशन एनालिसिस है उसके स्टैंडर्ड टैम्पलेट हैं तो एनालिसिस करते वक्त जैसे हम प्राइमरी डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं तो पहले हम आउटलायर्स डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेटा एनालिसिस में भी हम वो आउटलायर्स डिटेक्ट करेंगे कि जो आपके कॉफिशेंट कंप्यूट में आउटलायर्स कंसिडर होते हैं और उसके बाद आप फनल प्लॉट कंप्यूट करेंगे जो कि पब्लिकेशन बायस को प्रोडिक्ट करेगा ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जो आप किसी स्टेटिशियन की हेल्प के साथ परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स uh, को रिपोर्ट किया जाता है जैसा कि रिपोर्ट राइटिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक टेक्निकल uh, आस्पेक्ट है इसके लिए टैपलेट्स वग़ैरह अवेलेबल होते हैं वो आपने यूज़ करते हुए अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है तो ये हमने एक ओवर व्यू ले लिया है कि हम मेटा एनालिसिस को कैसे कंडक्ट करते हैं इसके स्टेप्स क्या कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम मेटा एनालिसिस की, बे, की बेसिस पे कोई स्टडी कर रहे हैं